हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ उसको अगर फैक्टराइज करना होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है फैक्टराइजेशन का, मतलब फैक्टराइजेशन मतलब होता है फैक्टर फॉर्म नजर आए। फैक्टर मतलब मल्टीपल के फॉर्म में नजर आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, तो ये जुटा हुआ है या घटा हुआ है, तो इसको क्या करना है ना, आप एक फार्मूला जानते हो, इसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर की तरह नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगा दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिख रहा था यहाँ पे, अब वो मल्टीपल के फॉर्म में दिखेगा। तो यही चीज़ को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब कभी कह दें कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को फैक्टराइज करिए, तो ऐसे करेंगे। अब कोई हमें दे दे एक्स स्क्वायर माइनस फोर को फैक्टराइज करने के लिए कि फैक्टराइज दिस, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इसे हम लोग, चलिए नीचे ही लिखना चाहिए हमें नियमता, एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर हम a प्लस बी ए माइनस भी कर देंगे, तो x प्लस टू और x माइनस टू, यही होता है फार्मूला, यही काम करते हुए आ रहे हैं अभी तक। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो अभी तो मान लीजिए आसान है, ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस फाइव हो, अगर इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल दे कोई, तो कैसे करोगे, तो तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन क्या करो कि रूट फाइव को किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये चार था तो दो का स्क्वायर था, नौ था तो तीन का स्क्वायर था, लेकिन फाइव तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं हम इसको रूट लगा के स्क्वायर कर दें, है ना। रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव हो ही जाता है। तो अब हमारा ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर हो जाएगा एक्स और बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर फाइव। तो फिर फार्मूला लगा देंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर को भूल जाओ, जैसे यहाँ पे भूले हो स्क्वायर को, तभी तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखे हो। तो स्क्वायर को भूल के एक बार x और रूट फाइव को जोड़ दो और एक बार x और रूट फाइव को घटा दो, ये हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टराइजेशन होता है एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, देर आर मेनी क्वेश्चंस विच कांट बी सॉल्व्ड बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा मेथड सीखा जाए जिससे कि वो क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाए जो विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सॉल्व हो सकते हैं। कहने का मतलब, ऐसा क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाते हैं लेकिन उसे सॉल्व किया जा सकता है, उसे सॉल्व किया जा सकता है, तो कुछ न कुछ तो नियम लगाना पड़ेगा इसमें। तो जो लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं, जो लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी बना लेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस ज़रा ये वाला बना के दिखाएं, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है बस उन्हीं से पूछ रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन, अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाना चाहते हो तो ये कभी नहीं बनेगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। लेकिन इसे हम अपने नियम से बना सकते हैं। एक मेरे पास ऐसा रूल है, जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन पाते हैं उसको भी ये बना देगा, और जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन जाते हैं उसको भी ये मेथड बना देगा। तो क्यों नहीं हम यही पहले सीखते हैं, मिडिल टर्म भी सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है और बोलता है कि इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाएं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाने के लिए अगर बोल दिया, कंडीशन लगा दिया कि नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाना है, तो आप दूसरे मेथड से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं जिससे ऐसे क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन पाते हैं लेकिन एक नियम है उसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और प्लस, मान लीजिए
हाँ ठीक है, वन है ना, वन ही ले लीजिए। इसको हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले नियमता आप क्या करते हो, नियमता आप क्या करते हो, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन को फैक्टराइज करके कभी भी एट नहीं ला पाओगे, इसीलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाता है। तो अब देखो ये नियम जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखना। दो फार्मूले का जरूरत पड़ता है तुम्हें, एक होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला सब लोग वाकिफ हैं, ये होता है। और एक और फार्मूला याद करवाए थे हम, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तीन टर्म को देख के कि या तो पहला लगेगा या तो दूसरा लगेगा। तो ए स्क्वायर के बाद आप टू ए बी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि इसे तुम ए स्क्वायर अगर मानोगे कुछ देर के लिए, ए स्क्वायर चलो स्मॉल में ही मान लेते हैं ए स्क्वायर, तो ए बराबर तुम एक्स मानोगे स्क्वायर स्क्वायर काट के, तो यहाँ ए जैसा है तो यहाँ पे जो होता है वो माइनस टू ए बी होता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें एट एक्स को टू ए बी की तरह ट्रीट करना है, तो क्या करो तुम माइनस टू इंटू ए लिख दो एक्स, टू ए हो गया, और बी को ऐसे लिखो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर कि एट एक्स आ जाए, है कि नहीं, एट एक्स आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम फोर लिख दें तो फोर टू जा एट एक्स आ जाएगा। अब ये हमारा बी की तरह काम करेगा, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो हमें ये फार्मूला लाने के लिए पहला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का भी नीड है, तो हम जबरदस्ती से क्या कर देंगे प्लस फोर का स्क्वायर अपने फार्मूला को लाने के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग कि हम अपने क्वेश्चंस को मिलाएंगे कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर की जो वर्क कर रहा था माइनस टू ए बी से चार दूना आठ एक्स भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार स्क्वायर नहीं चाहिए वन चाहिए, तो क्यों नहीं जो चार स्क्वायर जोड़े हैं पहले उसको घटा लेते हैं और फिर से प्लस वन लिख देते हैं। ये चार स्क्वायर से चार स्क्वायर कट जाएगा प्लस वन लौट आएगा, ये चार दूना आठ एक्स आ ही रहा है, एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, ठीक है। तो ये इतना करेंगे पहले हम लोग अपने फार्मूला को मैच कराने के लिए, अगर माइनस है तो माइनस टू ए बी, प्लस है तो प्लस टू ए बी सेकेंड नंबर। इतना के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फार्मूला वर्क करेगा कि ये जो क्वांटिटी है इसे ही हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिफाई करिए ए क्या है, तो ए तुम्हारा एक्स है और बी क्या है तुम्हारा फोर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन और प्लस वन। अब हम क्या करेंगे कि ये एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर हो गया और ये कितना आ गया माइनस फिफ्टीन। अब तुम्हें ये सोचना है ना कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन जाएगा कि नहीं, तो पंद्रह किसी का स्क्वायर तो नहीं है, इस पूरे को तुम कुछ देर के लिए ए मान सकते हो, अगेन ए, तो ये ए का स्क्वायर नज़र आएगा, लेकिन ये पंद्रह को लिख सकते हो रूट अंडर पंद्रह और इसका स्क्वायर, समझ गए। तो ये बी स्क्वायर की तरह वर्क कर सकता है जब पंद्रह को रूट अंडर पंद्रह लिख दोगे। तो ये चीज़ अब समझ में आ गया होगा कि एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर जो है उसमें से एक्स माइनस फोर को हम ए अगर मान लें तो ए स्क्वायर, माइनस रूट पंद्रह को भी मान लें तो बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि ए कितना है, तो ए एक्स माइनस फोर तक है और बी तुम्हारा रूट अंडर पंद्रह है। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा तुम्हारा इसका एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस फोर ये ए प्लस बी और एक्स जो है तुम्हारा एक्स माइनस फोर है और माइनस रूट अंडर पंद्रह। तो यही इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है, यानी कहने का मतलब ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिख रहा था अब दो नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनाए, ठीक है। एक आधा और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका क्लियरिटी आए, है ना, ताकि आप समझ पाए क्वेश्चंस को। एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस मान लीजिए यहाँ फाइव हो आपका,
यहाँ पे प्लस फाइव की जगह पे माइनस फाइव लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस फाइव की जगह पे माइनस फाइव ले लीजिए। चलिए अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो देखते हैं बन जाएगा कि नहीं। पहले तो उसके लिए किनारे किनारे पर मल्टीप्लाई करते हैं, जो लोग जानते हैं बस उनके लिए बता रहे हैं, है ना। माइनस फाइव इंटू वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब फाइव का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फाइव वन जा फाइव, तो फाइव इंटू वन तो पाँच, और एक घटेगा तो चार आ जाएगा, ये बात पक्की है। उसमें माइनस फाइव और प्लस फोर गुना करने पे माइनस, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम अपने नियम से बनाते हैं, अपने नियम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बन जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, जो समझ रहे होंगे वो तो जान गए होंगे कि क्यों बन जाएगा, ठीक है ना, क्यों बन जाएगा वो समझ गए होंगे, लेकिन हम इसको अपने नियम से बनाएंगे। हमारा नियम क्या है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी की तरह ये वर्क करेगा। उसमें हम ये एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मानते हैं, टू अपने से लिखते हैं, ए यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर से, और बी हम ढूंढते हैं कि आखिर क्या नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये फोर एक्स आ जाए, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, टू ए बी, तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो प्लस टू स्क्वायर लिख देंगे, ये बी स्क्वायर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन में नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा हम करते हैं, तो माइनस टू का स्क्वायर कर देंगे, और पहले से माइनस फाइव था वो रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला काम करेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो गया एक्स तुम्हारा और बी हो गया टू तुम्हारा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा कंबाइन हो गया एक में, क्योंकि इतना बड़े चीज़ को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बराबर इसीलिए तो लिखा गया है कि ये बराबर है, तो ये पूरा इसमें आ गया, और माइनस फोर और माइनस फाइव आ गया। यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और माइनस पाँच और चार नौ, तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये पूरा जो क्वांटिटी है तुम्हारा ये ए की तरह ट्रीट हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या किया जाता है, एक बार स्क्वायर को भूल के ए और बी को जोड़ा जाता है, और एक बार स्क्वायर को भूल के ए और बी को घटाया जाता है। तो अब तुम खुद बताओ कि स्क्वायर तो यहाँ है, तो ए का काम x माइनस टू करेगा, तो x माइनस टू प्लस थ्री, और फिर x माइनस टू माइनस थ्री, क्योंकि ए तो यहाँ से यहाँ तक है तो वो तो रहेगा ही। तो अब देखोगे ध्यान से तो ये x प्लस वन है और ये x माइनस फाइव है, तो हो गया फैक्टराइज जो एडिशन में नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेप कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा तरीका भी बताएंगे, जैसे ये चीज़ें अगर तुम्हें नहीं समझ में आता हो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप चुटकी बजाते अपना काम कर लोगे, है ना। देखोगे कैसे, एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, वो ट्रिक बताएंगे आपको।